नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है, कभी मैनपुरी तो कभी प्रयागराज में। अवैध निर्माणों पर जो है योगी का बुलडोजर गरज रहा है और 90 बीघा से ज्यादा जमीन को खाली कराया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। बुलडोजर जो है गरज रहा है, बरस रहा है लगातार। हम आपको बता दें कि अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। जितने भी अतिक्रमण है उसे, अतिक्रमण को पूरी तरीके से मुक्त कराना जो है योगी सरकार का काम है और इसे लेकर वो पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह जो है इस वक्त पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि लगाम कसी जा रही है और इसी वजह से जो है कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की, फिर हम आपको बताएंगे मैनपुरी में। तो प्रयागराज में अवैध निर्माण पे जो बुलडोजर चला है, जहां पर 90 बीघा जमीन को खाली कराया गया है, प्रयागराज में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। इस बार बुलडोजर किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के अवैध प्लाटों पर चला है जो सरकार से नक्शा पास कराए बिना ही निर्माण कार्य करवा रहे थे। ऐसे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान करीब 90 बीघा जमीन खाली कराई गई है। प्रयागराज के शहरी पश्चिमी इलाके के कठहुला में 90 बीघा जमीन की प्लॉटिंग की गई और जमीन को बेच दिया गया। जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदा उन्होंने इस पर अपना मकान बनवाना भी शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण को हुई तो उन्होंने मौके का जायजा लिया तो पाया कि इन प्लॉटों को लेआउट नहीं तैयार हुआ है और ऐसी स्थिति में अवैध प्लाटों पर जो है नए निर्माण कार्य जो हो रहे थे उस पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया। यानी जिन लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीद रखे थे उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस जमीन को मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, शिखर ग्रीन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य किसानों से लेकर अवैध प्लॉटिंग की गई। इसी मामले की जानकारी पीडीए को हुई, जिसके बाद प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पीडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा, जहां बहुत से जमीनों पर बाउंड्री वॉल बनाई जा चुकी थी, जबकि कुछ पर तो और भी आगे का काम हो चुका था। पीडीए की जो टीम है उन्होंने जब निर्माण करा रहे लोगों से मकान का नक्शा समेत अन्य कागजात मांगे तो कोई पेपर सामने नहीं मिला। जब अंत तक भवन निर्माण का पेपर प्राधिकरण के सामने पेश नहीं हुआ, लोग अपनी जमीन रजिस्ट्री का पेपर दिखा रहे थे, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर बुलडोजर द्वारा करीब 50 से अधिक निर्माण ढहा दिया गया। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया हो, लेकिन फिर भी लोग सरकारी कामों में लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। बहुत बड़ी कार्रवाई जो है उस तरफ जो है हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं मैनपुरी की। तो सपा नेता के अवैध कारोबार पर बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की नगर पंचायत करहल के अध्यक्ष अब्दुल नईम द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई होटलों में तोड़फोड़ कर प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री की इस अवैध वेबसाइट के बारे में मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव संजय प्रसाद ने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। करहल कस्बे में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर पंचायत करहल के अध्यक्ष अब्दुल नईम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी है, तो आप समझिए कि अखिलेश यादव के करीबी है, उनके काम पर जो है ये बुलडोजर चला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कि कार्रवाई है। क्योंकि मैनपुरी की अगर हम बात करें तो वहां से डिंपल यादव जो है सांसद है और वो सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी जो है वहाँ से हमेशा जीतती रहती हैं। अखिलेश यादव के पिता भी वहाँ से अगर आप कहेंगे कई बार जीते हुए हैं। उसके बाद अखिलेश यादव, उनके बाद उनकी पत्नी के लिए भी एक इमोशनल कार्ड कहा जा रहा था कि खेला गया है। बहुत मजबूत फील्डिंग की गई थी, लेकिन मैनपुरी में फिर भी समाजवादी पार्टी जो है अपना परचम लहराती नजर आई और इसी वजह से मैनपुरी में इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की मामले सामने आ रही है, जहाँ पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और अब उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का काम जो है किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे तो पूरी तरीके से जो है स्थिति ऐसी देखने के लिए मिल रही है कि योगी सरकार तो प्रयासरत है, योगी सरकार अपने तरफ से काम कर रही है, योगी सरकार अपने तरफ से सारी कार्रवाई जो है करती नजर आ रही है। और यही कारण है कि जो तालाब की जमीन थी, तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए रिसोर्ट आयशा को बहाल करने के लिए उप जिलाधीश नीरज, MD और पुलिस उपाध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में PA ईदगाह की कली पहुंचा में सी व पुलिस बल की भारी संख्या, जिसके बाद
बाद अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बोल्ट के नाम से बुलडोजर चाल और आयसा रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया था। आदर्श नगर पंचायत करहल के पूर्व अध्यक्ष संजीव यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि करहल में तालाबों पर अवैध कब्जे जो है किए गए हैं और उनमें से एक आयशा रिसोर्ट की भी याचिका थी। अन्य करहल की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश जो है दिए गए हैं। रविवार यानी आज अवकाश के दिन जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बनाए गए आयशा रिसोर्ट में अवैध रूप से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी अब्दुल नाम के रिसोर्ट पर बुलडोजर चलने से लोग अचंभित है। तालाबों के पूरा लेखों पर आपको बता दें कि जो साइड साइड की जो जगह भी है वहां पर खंडों के जो टुकड़े हैं और आगे की कार्रवाई जारी है और बड़े लोग जो है संकट में इस मामले में पड़ सकते हैं। यानी कुछ लोग जिनका नाम अवैध निर्माण कराने के मामले में आ रहा उनकी भी मुश्किलें इस मामले में बढ़ सकती है। उप जिलाधिकारी निरंजन बांडी ने कहा कि आयशा रिसोर्ट के विध्वंस पर कार्रवाई जारी है और इसे लेकर लगातार जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ तौर पर जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में योगी सरकार लगातार प्रयासरत है अतिक्रमण हटाने को लेकर जो है कार्रवाई करने के लिए भी कहती रही है और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो भी रही है। हमने आपको बताया कि बैक टू बैक प्रयागराज और मैनपुरी में बुलडोजर की जो है कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं मैनपुरी और सारे जो कार्रवाइयां देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली ये ग्राम समाज की जमीन थी और ऊसर बंजर की जमीन है ये, और यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, एक मकान बना दिया था और काफी बड़ा कमरा जैसा कि आप लोगों ने देखा बना रखा था, और साथ ही साथ यहाँ पे ये चारा काटने वाली मशीन भी एस्टेब्लिश कर दी थी। बगल में काफी सारे अपने भैंस वगैरह बांध करके पूरी तरह कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको आज पूरी टीम द्वारा थाने से फोर्स भी है और ईओ साहब भी हैं, मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि ये एसबीएम के द्वारा इन लोगों को आवंटित की हुई थी और यहाँ पे कब्जा था, तो उस कब्जे को आज बुलडोजर के माध्यम से हटवा दिया गया। कितना दिन से प्रयास किया जा रहा था इनको खाली करवाने के लिए, तब आज बुलडोजर चलवाना पड़ गया। जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है, पिछले 3-4 महीने से प्रशासन इस बात के संपर्क में था, टीम आती भी थी और ये लोग आश्वासन देते थे कि साहब 2-4 दिन में हम अपना कब्जा अपने आप हटा लेंगे, लेकिन आज तक ये कब्जा नहीं हटा, तो आज मजबूरन हम लोग को ये कब्जा हटवा करके जमीन क्लियर करके ईओ साहब की सुपुर्दगी में देनी पड़ेगी। कोई वैधानिक कार्रवाई भी की है कब्जे धारक के खिलाफ? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, अभी देख लेते हैं कब से कब्जा है, उस आधार पे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वैधानिक देखने के लिए मिल रही है। और अब लोग जो है इस मामले को लेकर काफी चिंतित भी है, उन्हें ये भी जानकारी जो है मिली है कि किस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। अब लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है और जितने भी अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं सरकारी कागजात को लेकर किसी भी तरीके कि अगर स्थिति देखने के लिए मिल रही है तो उन कागजाई जो कागजी कार्रवाई है उन्हें ठीक तरीके से आप करें। सरकार से जुड़ी हुई चीजों का नक्शा वगैरह, जैसे कि उन्होंने कहा अभी तो नक्शा वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं था और यही कारण था कि उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई, चाहे मामला प्रयागराज का हो या मैनपुरी का हो। अवैध तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, अवैध तरीके से जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है, इसके बाद जो है सिचुएशन खराब होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इन जगहों को, चाहे प्रयागराज हो, मैनपुरी हो या उत्तर प्रदेश में कोई भी एरिया इलाका हो, वहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, भू माफियाओं के खिलाफ नकेल कसना, भू माफियाओं की अगर आप कहेंगे कि कमर पर वार करना लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसे पूरी तरीके से भू माफियाओं के हाथ से अगर आप कहेंगे कि उसे छुटकारा दिलाने का काम किया जा रहा है और इसी तरीके का एक्शन प्रयागराज में और फिर हमने आपको बताया कि मैनपुरी में किया जा रहा है। मैनपुरी पर ये कार्रवाई जो है अखिलेश यादव के करीबी के यहाँ हो रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि कहीं पर अगर किसी पार्टी का गढ़ है और उनके नाक के नीचे ये कार्रवाइयां हो रही है या उनके नाक के नीचे इस तरीके से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ भी उठता है कि क्या उन बड़े, आप कह सकते हैं कि अहदे पर बैठे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बाद भी इस तरीके से भू माफियाओं का समर्थन करके आम जन जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो इतना पेपर वर्क नहीं समझती है, वो इन बिल्डर्स की चपेट में आ जाती हैं और ज़मीन खरीद लेती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि बाउंड्रीज कई जगहों पर किए गए हैं, कई जगहों पर आधा निर्माण किया हुआ है, इसके बाद से ढारे का काम जो है किया गया है, क्योंकि पेपर नहीं थे करेक्ट इनके पास। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।